बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा तो आपने बहुत सुनी होगी, उन्हें पर्ची फाड़ते हुए भी आपने कई बार देखा होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उनका एक अलग ही रूप। आज हम आपको बाबा को मयूर के साथ अनोखा डांस करते हुए दिखाएंगे। बाबा ने मयूर नृत्य कहाँ किया है, कब किया है, ये सब जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। छतरपुर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का मोर के साथ डांस करने का वीडियो जबरदस्त सुर्खियां बटोर रहा है। इस वीडियो में ऐसा लग रहा है कि मोर बाबा के इशारे पर पंख फैलाकर नृत्य कर रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी मोर के साथ डांस को खूब एंजॉय कर रहे हैं। 1 मिनट 6 सेकंड के इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री मोर के सामने अलग अलग भंगिमाएं बना रहे हैं और मोर उन भंगिमाओं के अनुरूप नृत्य कर रहा है। आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि ये वीडियो आखिर कहाँ का है। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथा वाचन के सिलसिले में 25 मई से 10 दिनों के लिए गुजरात के दौरे पर हैं। फिलहाल वो अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में जिस प्रवीण कोटक के घर पर वो रुके हैं, ये वीडियो वहाँ का है। 10 दिन के गुजरात दौरे पर गए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सनातन और हिंदू राष्ट्र का अलग जगा रहे हैं। सब सनातनी एक हो जाओ। कौन कौन सनातनी हिंदू एक है? पक्का? जोर से बोलो। अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो फटनी कौन कौन मारेगा? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कौन कौन तैयार है? अच्छा, अगर कोई भारत के संतों का विरोध करेगा तो फटनी कौन कौन मारेगा उनकी? अच्छा, और कृष्ण कन्हैया लाल को जो है मथुरा में विराजमान करवाने के लिए कौन कौन तैयार है? जोर से बोलो, पक्का? जोर सुने कि हाँ सुने? हाँ सुने। गुजरात दौरे पर गए धीरेन्द्र शास्त्री प्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर भी पहुंचे, जहां उन्होंने आरती के बाद गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना की। यहां उन्होंने हिंदू राष्ट्र के लिए गुजरातियों को आगे आने की अपील की। माननीय होते सनातन धर्म में क्या ताकत है, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार अद्भुत सुविधा है। गुजराती बांग्लों को यही कहना है कि अब घर बैठकर या मोबाइल पर या टीवी पर हिंदू राष्ट्र नहीं बनना, घर से बाहर निकलना। गुजरात में भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के प्रति वैसी ही दीवानगी दिख रही है जैसी की बिहार में दिखी थी। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गुजरात में पिछले कुछ दिनों से मौसम अपना अलग ही रंग दिखा रहा है। यहाँ कई इलाकों में आ रही तेज आंधी और बारिश से भारी नुकसान भी हुआ है। मौसम विभाग ने इसके लिए अरब सागर से उठे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को जिम्मेदार ठहराया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए खराब मौसम की चेतावनी भी जारी कर दी है। कुदरत के कहर के आगे इंसान की बिसात तिनके से ज्यादा नहीं है। सोमवार की आई तेज आंधी बारिश ने पूरे गुजरात में तबाही मचा दी। कच्छ के कांडला में कई टन वजनी क्रेन कागज की नाव की तरह बहती दिखी, तो बनासकांठा में विशाल वृक्ष धराशाही हो गए। राजधानी गांधीनगर में तो विधानसभा की गुंबद की खिड़की ही उड़ गई। प्रकृति के प्रकोप से कोई नहीं बचा। मौसम के बिगड़े रुख का सबसे खतरनाक असर कच्छ के कांडला में दिखा। कांडला पोर्ट पर तेज हवाओं के साथ आई बारिश ने मानो तांडव मचा दिया। समंदर में जहाज से सामान लोड अनलोड करने वाली विशाल काय क्रेनें कागज की नाव की तरह बहने लगी। हालांकि क्रेनों में ऑटो ब्रेक की व्यवस्था होती है, लेकिन आंधी तूफान में सारी टेक्नोलॉजी फेल हो गई। कई क्रेन एक दूसरे से टकरा गई। ऐसा लगा मानो दूर दूर तक सब कुछ तहस नहस हो गया हो। इमारतों में लगी लकड़ी के पैनल तिनके की तरह उड़ गए। जहां तहां तबाही के मंजर पसरे थे। मौसम खराब होने की पूर्व जानकारी होने के बावजूद
कांडला पोर्ट प्रशासन ने कोई एहतियाती उपाय नहीं किए, इसलिए उस पर बड़ी लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। उत्तर गुजरात के पाटन और बनासकांठा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश ने कहर ढाया। बनासकांठा में विशाल पेड़ धराशायी हो गया। गनीमत रही कि बगल से गुजर रही बस के यात्री बाल बाल बच गए। कहीं पेड़ के दरख्त टुकड़े हो गए तो कहीं सड़क पर लगे बैनर पोस्टर हवा के झोंके में पतंग बन गए। डायमंड सिटी सूरत में शाम के समय आंधी बारिश ने शहर की रफ्तार धीमी कर दी। लोग मौसम के बिगड़ेल रुख से बचते बचाते घरों की तरफ निकल पड़े। जूनागढ़ जिले के गिरनार के मशहूर रोपवे पर तो मौसम ने पहले ही ब्रेक लगा दिया है। खराब मौसम की वजह से गिरनार आने वाले सैलानी फिलहाल रोपवे का मजा नहीं ले सकते। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने भी लगभग पूरे गुजरात में तेज आंधी के साथ बारिश का जोर रहने की चेतावनी दी है। अहमदाबाद, आनंद, भरूच, वडोदरा और सुरेंद्रनगर जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। बुधवार को भी मौसम का ऐसा ही रुख रहने की संभावना है। आज तक ब्यूरो।